जी अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद रखते हैं कि आप ठीक होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि ऑटो डेबिट आप किस तरह से लगा सकते हैं, या आपको मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन आती है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपकी मेन स्क्रीन है, यहाँ से आप मेन्यू को क्लिक करेंगे। मेन्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपकी जो है मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन की तरफ वो एक्सपायर हो रही है, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा एक्सटेंड डेबिट अकाउंट को। जब आप न्यू ऐप बनाते हैं तो भी सेम आपको इसी तरह से विंडो दिखती है। तो आपने ये आपके ऊपर यहाँ मोबाइल पे एक गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को आप जैसे ही वो क्लिक करेंगे शीट हट जाएगी। इसका ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आपने सेलेक्ट करना है इनको सबको, एग्री करेंगे। जैसे ही आपने एग्री किया, आप इंडिया के हैं तो हिंदी में आ जाएगा, और अगर पाकिस्तान के हैं तो उर्दू में आ जाएगा। तो आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने तस्दीक करें को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे, ये आगे एक और शीट है जो गाइडलाइन है कि अगर आपका कार्ड फ़ोन है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप लाइन फ़ोन जिसका आप मंथली पे करते हैं तो उसके लिए अलग से है। ये जैसे ही टच करेंगे गाइडलाइन हट जाएगी। ये आपको बता रही है कि कार्ड के लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस बटन को आपने क्लिक करना है। तो हम चलते हैं इसकी तरफ। लाइन फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप मंथली बिल पे कर रहे होते हैं, तो आप उसमें से जैसे एलजी है, एलजी को क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद नीचे इसको क्लिक करेंगे तो आप लाइन फ़ोन में एंटर होके अपना डाटा एंटर करेंगे एलियन कार्ड की तरह। तो यहाँ पे हम कार्ड फ़ोन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने आदर फ़ोन को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम नेक्स्ट पे आए। और जो भी नेटवर्क की आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये वही है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि SKT के लिए ऊपर वाले को, KT को, LG को। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया SKT को क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर आपको एक गाइड शीट जो है वो गाइड कर रही है कि आपने यहाँ पे अपना नेम एज पर एलियन कार्ड टाइप करना है और डेट ऑफ बर्थ है, और 19 के साथ आप उसको स्टार्ट करेंगे। एलियन कार्ड के पहले 6 डिजिट होते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ऑल एग्री करेंगे। यहाँ पे हम फॉरनर को क्लिक कर रहे हैं, मेल है फीमेल है जो भी है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हम अपना नेम जो है वो इसमें टाइप करेंगे, ठीक है, और कैपिटल में आप टाइप कीजिएगा। और टाइप करने के बाद आपने उसको नीचे डेट ऑफ बर्थ की तरफ आ जाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ आपने टाइप कर दी अपनी, और टाइप करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर टाइप करेंगे आप। इसमें कोड कंट्री का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, आपने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, सभी को एग्री किया। जैसे ही एग्री करेंगे कंफर्म को क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया, और करने के बाद एक दफ़ा फिर से हम फ़ोन नंबर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। कंफर्म को क्लिक किया तो आपको यहाँ पे एक शीट आ गई, कोड, और कोड जो आपको आया ये यहाँ पे शो हो रहा है, 555888 कोड है। आपने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पे तस्दीक के लिए आ गया है। आप इसको तस्दीक करेंगे तो आपका ऑटो डेबिट अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अगर आपकी मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन की तरफ है तो आपकी मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।